हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो गाइस हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और इसमें हम पर्सनली 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर हमारे 1, 2, 3 और 4 थे वो हम अपने कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर तक कर चुके थे, अभी अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से क्या पूछा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी कि ये क्या है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या n है के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। गाइस किसके लिए कहा है उसने, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव में किसके लिए कहा है, 6n के लिए। उसने कहा क्या 6n के लिए हमारी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। गाइस देखो 6n नहीं, अगर वो हमें कुछ भी देते हैं, अगर वो हमें कुछ और नंबर भी देते हैं, 8n दे दे है ना, ये हमें वो 12n दे दे, ये कोई से भी दे दे गाइस, जो अदरवाइज हमें कोई से भी नंबर दे दे। तो गाइस यदि कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है, उसने कहा क्या ये संख्या हमारी कभी 0 पर समाप्त हो सकती है यदि n क्या हमारा प्राकृतिक संख्या हो। यानी कि इसके ऐसे फैक्टर आएंगे कि 6 हमारा 0 हो जाए, ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो गाइस क्या होगा इसका, हमारा इसका एक रूल होता है, आप कुछ समझ लो इसको, एक रूल समझ लो कि हमारा कोई भी नंबर कोई फैक्टर है वह 0 पर कब समाप्त होगा। यदि कोई संख्या क्या होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में, यानी कि उसके तो उसके इसमें तो उसके अभाज्य गुणन खंड में, अभाज्य गुणन खंड में 2 × 5 यानी कि 2 × 5 एक बार जरूर आना चाहिए। कि अगर उसके हमने कोई भी अभाज्य गुणन खंड करे और उसमें हमारा एक भी बार 2 × 5 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। पर अगर उनमें से 2 × 5 एक बार भी नहीं आएगा तो वह संख्या कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकती। तो वैसे उसने हमें 6 दिया था तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 3 = 6 और 3 के हम क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, इसके अभाज्य गुणनखंड, तो भाई इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 6 के कितना है, वाई 2 × 3 आए। और गाइस हमें पता है हमने क्या कहा है, 2 × 5 गाइस 2 तो आया पर 5 तो नहीं आया, तो गाइस क्या होगा, वो कभी भी 0 संख्या पर खत्म नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ बताएं तो हम क्या बता देंगे, क्योंकि 6 के गुणनखंड में क्या हुआ, 6 के गुणनखंड में एक भी बार 2 × 5 नहीं आया है तो क्या होगा, तो यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। जिसके क्या था, ठीक है, इसका आंसर था कि अगर कोई भी नंबर पूछे 6n दे, 8n दे, 12n दे, कोई सा भी नंबर दे और उसने पूछा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त है, क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसकी क्या कंडीशन है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 एक बार जरूर आना चाहिए, अगर ये आ गया तो 0 पर समाप्त होगी अदरवाइज नहीं होगी। तो अभाज्य गुणनखंड करें, क्या है, इसके 2 × 3 आया, तो आज हमें पता हमें 5 तो नहीं आया, 2 तो आया हुआ पर साथ में 5 भी तो आना चाहिए, तो 6 के गुणनखंड में एक भी बार 2 × 5 नहीं आया है तो यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में उसने हमें क्या गया, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और +13 और 7 × 6 × 5 × 4 ×13 3 × 2 × 1 और +5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या कुछ है उसने, भाज्य संख्या है। अब भाई सबसे पहले हमें भाज्य संख्या पता होनी चाहिए, इस भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, मुझे भाज्य संख्या बोला तो गाइस जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या वह संख्या क्या होती है गाइस, वह संख्या जो दो या दो से अधिक
संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। तो वैसे क्या, अगर कोई भी संख्या है और वो क्या दो या दो से अधिक नंबर से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे कि मैं आपको, तो मैंने 50 ले लिया है ना, और अगर मैं इसके फैक्टर लूँ तो कितना आएगा फैक्टर, 5 × 2 = 50, 2 × 5 = 10 और 5 × 6 = 5। तो भाई जो इसके फैक्टर आए 50 के, में कितना है, 5 × 2 और 5 × 5। तो भाई देखो इसका जो फैक्टर है क्या, 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो क्या होता है, जो दो या दो से अधिक संख्या में डिवाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसने हमें किसका दिया है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने हमें क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा 13 × 11 × 13 और प्लस के 13। सबसे पहले देखते हैं इसका, देखते हैं क्या दिया उसने भाई, मल्टीप्लाई में उन्होंने दिया है 7 × 11 × 13 और प्लस में क्या है मेरा 13 है, एक तो ये है। और दूसरा क्या दिया हुआ उसने में, और इसी में दूसरा उन्होंने दिया हमने 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 और प्लस में कितना है, जो हमारा प्लस में मल्टीप्लाई का 5। और उसने हमारे से पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाई सबसे पहले हम इसका निकाल के देखते हैं, इसका निकाल के देखें 7 × 11 × 13 और × 1 में कितना 13। तो भाई दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है 13 बार कॉमन ले लो, मैंने क्या ले लिया 13 बार कॉमन ले लो, कितना है 7 × 11 × 1 और ऊपर से कितना 1। तो भाई कितना हो जाएगा 13, अगर हमने इसका करें तो 11 × 7 = 77 और ये कितना आ गया हमारा 78। क्या आ गया जी मेरा 78 आ गया। तो इस अब देखो ये 13 से भी डिवाइड हो, यानी कि जो मेरा नंबर था, ये नंबर था मेरा किससे डिवाइड हो गया, 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो गाइस क्या है, क्योंकि क्योंकि यह दो या दो से अधिक संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है, इसलिए ये क्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो गाइस ये वाली तो मेरी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब ये वाली भी देखते हैं कि ये क्या है, ये मेरी भाज्य संख्या होगी नहीं होगी। तो ये देखते हैं क्या था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का कितना है मेरा 5। तो इसमें भी क्या सेम सेम 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या ले लिया मैंने 5 बार कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ 6 7 6 4 3 2 1 और प्लस में यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। तो कितना बचा 5, वही जब इसकी मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आएगा मेरा 1009 आ गया। तो वैसे देखना ये भी इसके फैक्टर की, ये जो मेरा नंबर था किससे है, 5 से भी डिवाइड हो रहा, ये मेरा किससे है 3 से भी डिवाइड होगा और नंबर से भी डिवाइड होगा। तो गाइस ये भी क्या है, ये भी 2 या 2 से अधिक नंबर से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा। तो ये भी मेरा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो गाइस क्या करेंगे, इसको भी हम बता देंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि यह संख्या 2 या 2 से अधिक, पता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। तो अतः यह भाज्य संख्या है। तो भाई बस हमें इन दोनों नंबरों क्या बताना था, कारण ही बताना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है और भाज्य संख्या क्या कारण था बता देंगे, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक नंबर से क्या होती है, विभाजित होती है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या बताऊँ गुरु, अभाज्य संख्या वो होगी जो ओनली ये तो 1 से डिवाइड हो, ये भी खुद से डिवाइड हो। यानी कि जैसे कि मेरा 5 है, 5 मेरा किससे डिवाइड होगा, ये तो 1 से डिवाइड होगा, ये फिर किससे होगा, खुद से डिवाइड होगा, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया हुआ है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि इसे मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
तो कितने समय बाद में पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो गाइस क्या कहा उसने क्वेश्चन में, क्या कराया वो, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। गाइस क्या कहा उसने, उसने कहा एक कोई खेल का मैदान है, आपको पता कोई हमारा क्या, हमारा कोई खेल का मैदान है ना, और एक कौन है, एक तो हमारी सोनिया है और दूसरा हमारा रवि है। एक हमारी क्या हो गई, सोनिया हो गई, और एक हमारा क्या हो गया, रवि हो गया। पर गाइस यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि ये तो ले, जो सोने लेती है, सोने तो कितने लेती है हमारी, 18 मिनट लेती है, और ये हमारे कितने लेता है, 12 मिनट लेता है। तो उसने कहा वे भी ऐसे चलना प्रारंभ करेंगे, है ना, ये तेजी स्पीड से चलेगा, ये इस ज़्यादा स्पीड से चलेगा। अब उसने क्या कहा कि दोनों एक ही स्थान पर, एक ही डिस्टेंस और एक ही से क्या करना, चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो पूछा वो कितने समय बाद पुण्य मिला, तो गाइस इसमें क्या है, ये ज़्यादा समय लेती है कम समय लेती है, तो ज़्यादा बात ये स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों चक्कर लगाएंगे ऐसे ऐसे, और ये भी चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे, तो एक नंबर ऐसा जरूर आएगा, यानी कि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, है ना। तो भाई आप देखो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, इनका वो भी समय काउंट होगा जिसमें जितने उन्होंने चक्कर लगाए, और फिर वो समय देखा जाएगा कि जिसमें वे एक साथ मिले। तो कहीं ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा क्या चीज़ होती है जिसमें हम वो भी देखते हैं, जो सारों में एक तो वो देखते हैं जो कॉमन हो, और जो बचता है वो भी देखते हैं, एसटीएफ निकालते हैं ना। तो ऐसे हम इन दोनों क्या निकालेंगे, एसटीएफ निकालेंगे। तो एसटीएफ निकालने के बाद हम बता देंगे कितने समय बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये सबसे पहला फर्स्ट क्या था, सोने तो 18 मिनट में, और जो रवि है वो कितना, 12 मिनट में। तो ऐसे क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर कर लेंगे, 18 का फैक्टर करते हैं सबसे पहले। लास्ट में क्या है, और इवन नंबर है, तो 2 9 18, अब क्या है, 3 3 9 और 3 1 3, ये हो गया। दूसरे कोने में पास 12 है, लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये देखो जो हमारे क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो इनका क्या है, अगर मैं इसके निकालूँ, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे क्या है, जो मेरा 18 था उसके कितना है, मेरा 18 में 2 3 3, और जो मेरा 12 था उसके कितना है, 2 2, और मल्टीप्लाई में कितना, 3। तो आज क्या निकाल लेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालते हैं इनका आज, क्योंकि देखो दोनों समय काउंट होंगे ना, क्योंकि वो भी समय भी काउंट होगा जितने उन्होंने चक्कर लगाए, और भी बाद में वो समय देखा जाएगा जिसमें एक साथ मिले। तो एलसीएम में क्या होता है, एक तो कॉमन, कॉमन क्या दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बच्चा कितना, 2 और कितना, 3। देखो 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 36, तो एज कितना है, 36 मिनट, यानी कितनी होगी हमारी, 36 मिनट होगी। तो गाइस क्या करेंगे हम बता देंगे, होगा अतः 36 मिनट बाद कौन रही थी, सोनिया और कौन है, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितना एलसीएम निकल रहा है, हमने बता दें कितने मिनट बाद एलसीएम कितना है, 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया रवि क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी 1.3 करेंगे। और गाइज ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरी एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी 4 नंबर में 6 नंबर में। ठीक है गाइज, तो भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और गाइज अगर कोई आपका फ्रेंड हो या आपका छोटा भाई, उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं कि हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास का और 9th क्लास की बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैच चल रहा है। ठीक है गाइज, जिससे कि इनको हेल्प मिल सके। और गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक भी करें। थैंक यू।